नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं वो वैवाहिक विवाद कानून से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई उपाय आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, और इसका क्या बेहतर कानूनी जवाब हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर हम दोहराते हैं, वैवाहिक विवादों से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं, इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी दिक्कत है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन दो नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और इस विषय पर आज ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से समीर दीवान हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। ऐसे नसीम साहब हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि इलाहाबाद से मिर्जा महजर अब्बास साहब जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत समीर दीवान जी, मैं आपसे करना चाहूँगा। आज हम बात कर रहे हैं वैवाहिक विवादों से जुड़े कानून क्या कुछ हैं, आप बताएं। देखिए, ऐसा है जो हमारे मैरिज जो है वो गवर्न बाय हिंदू मैरिज एक्ट से होती है, और उसमें जो डिस्प्यूट्स आते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लोगों की मैरिज से रिलेटेड आती हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड आती हैं, किसी की डाइवोर्स से जब सेपरेशन होती है तो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स आती है, इश्यूज आते हैं, अगर डिस्प्यूट होते हैं तो बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड होती हैं जी। ये लिटिगेशन जो हैं कोर्ट्स में काफ़ी चलती रहती हैं। उसके बाद क्योंकि ये कोर्ट्स में काफ़ी चलने के बाद कोर्ट्स ने डिसाइड किया एक सेपरेट फैमिली कोर्ट्स बनाए जाएं जी, और वो फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो एक सेपरेट कोर्ट्स हैं जहाँ पे एक्सक्लूसिवली आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो हैं वो वहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। स्पेशलाइज जजेस होते हैं जो दोनों पार्टीज को सुनते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ये फैमिली सिस्टम है कोर्ट्स का, एक हमारे पास वहाँ फैमिली कोर्ट के साथ ही वहाँ ट्रेन मेडिएटर्स भी अटैच होते हैं। जब कोर्ट में आप पिटीशन फाइल करते हैं, दूसरी पार्टी आती है वहाँ पे, तो कोर्ट्स का पर्पस ये होता है कि देर शुड बी लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर बोथ पार्टीज, और दोनों पार्टीज को ये दिखाया जाए कि भाई आया डाइवोर्स होने में बेटरमेंट है या अगर हम दोनों पार्टीज को यूनाइट कर सकें जी। उसके लिए ट्रेन मीडिएटर्स होते हैं जिनको बिठाया जाता है, वो पार्टीज को उनको सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म आपको आउटसाइड नहीं मिल पाता। इस वजह से कोर्ट्स जो हैं उनको ट्रेन मीडिएटर्स के पास भेजते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। प्रॉब्लम को सुनने के बाद अगर तो लगता है कि मैरिज बिल्कुल इरिटेबली बीइंग ब्रोकन डाउन है तो उनको रास्ते बताए जाते हैं किस तरह से राइट्स क्या हैं उनके और क्या क्या कैसे पिटीशन बाय वे ऑफ, आजकल पहले तो डाइवोर्स पिटीशन होती थी, आप केस फाइल करते थे, अब प्रोसीजर हो गया कि म्यूचुअल कंसेंट से पिटीशन जो है दोनों पार्टीज एक दूसरे पे कोई भी इल्ज़ाम ना लगा के आप पिटीशन जो है बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट फाइल करते हैं, जिससे जो है प्रोसीजर जो है बहुत टाइम सेविंग है और अब और भी बेनिफिट हो गया, क्योंकि पहले पिटीशन हम फाइल करते थे म्यूचुअल की और 6 महीने का एक पीरियड होता था सेकंड मोशन के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पीरियड को भी जो है वो आप एप्लीकेशन लगा के वो पीरियड जो है वो वेव कर सकते हैं, तो प्रोसेस काफी जो है कन्वीनियंट हो गया है और पार्टीज के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं अपने ग्रीवेंसेस को सेटल करने के लिए।
और भी हम बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। हमारा जो आज का विषय है, वैवाहिक विवाद से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर इसके अलावा भी किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नसीम साहब, मैं आपके पास आऊँगा। अगर किसी महिला का वैवाहिक विवाद होता है तो उसे पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए, कहां पर जाना चाहिए जहां पर वो अपनी शिकायत कर सके? क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं पता कि अगर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है किसी भी वजह से, तो वो अपनी शिकायत लेकर कहां जाएं? वो सबसे पहले तो पुलिस थाने पहुंचती हैं। अगर कोर्ट के माध्यम से जाना हो तो क्या कदम उठाने चाहिए? या वो पीड़ित महिला है तो सबसे पहले उसको पहला स्टेप तो अपने कंसर्न थाने को ही जाना चाहिए। अगर उसको थाने में जाने में कोई प्रॉब्लम है तो हर जिले में महिला थाना बन गया है और महिला प्रकोष्ठ बन गया है, वहां पर एप्लीकेशन मूव कर सकती है। लेकिन कोर्ट में ही उसको जाना है तो उसके लिए भी पहले उसको एप्लीकेशन की बना के एक FIR की तहरीर के तौर पर उसको रजिस्ट्री डाक के जरिए जो हायर अथॉरिटी होंगे वहां जिले के SSP SPCT या कंसर्निंग थाने को भेजना पड़ेगा और उनकी डाक रसीदों को लगाते हुए उस एप्लीकेशन की कॉपी को 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता में वो एप्लीकेशन कोर्ट में अपने संबंधित थाने की कोर्ट में दाखिल कर सकती है, जिस पर कोर्ट थाने से रिपोर्ट मंगाएगी कि क्या इस मुकदमे में कोई मुकदमा इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं, और अगर दर्ज नहीं है तो उस पर वो 156(3) में FIR दर्ज करने का आदेश संबंधित थाने को दे देती है। साथ ही साथ अगर कोर्ट चाहती है और देखती है कि हाँ थाने जिसको न्याय नहीं मिल सकता तो उसको एक सुप्रीम कोर्ट का एक साइटेशन है सुगवासी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ UP, जिसमें कहा गया कि अगर ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है तो जो कोर्ट है वो खुद उस मुकदमे को अपने यहाँ चला सकती है और उसमें महिला का बयान, उसके घर वालों का दो बयान लिख कर 200 और 202 में वो रिमांड को वो तलब कर लेगी और कोर्ट में वो ट्रायल चलेगा। चले बिल्कुल, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बरेली से हमारे साथ राजेश जी जुड़ गए, पहले कॉलर। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक तो हम ये कहेंगे ये जो आपने वैवाहिक विवाद वाला मुद्दा उठाया ये एक दिन में सर पूरा सॉल्व नहीं हो सकता, इसके लिए दो तीन आपको बार ऐसा करना चाहिए जी। दूसरा सर ये कहना चाहूंगा कि ये जो नंबर ये जो आपने वकील लोग बैठा रखे हैं यहाँ पर अच्छे लोग हैं, इनके सर नंबर भी अगर फ्लैश कर दिया करें तो हम लोग इनसे बाद में बात कर सकते हैं। सर इस कार्यक्रम का फॉर्मेट यह है कि अगर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है तो आप सवाल कीजिए, कहां पर अड़चन आ रही है तो आपको उपाय बताया जा सकता है कि आपको क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अगर कोई सवाल आपके जहन में तो आप सवाल कर सकते हैं। जी सर, सवाल ही मेरा है, मेरा सवाल सर ये कि मेरा भी वैवाहिक विवाद चल रहा है और उसमें सर मेरी पत्नी ने कई जगह मतलब 4-5 केस चल रहे हैं, 4-5 केसों में एक ही चीज के अलग अलग स्टेटमेंट पेश किए हैं और मैंने सर उसमें 340 डालना चाहता हूँ, 340 CRPC का मुझे पूरा प्रोसीजर ये बता दें शुरू से अंत तक कि आखिर मुझे किस तरीके से उसमें क्या करना पड़ेगा, ये मेरा प्रश्न है। मजहर अब्बास साहब, क्या उपाय बताएंगे आपने? अब तो टू आने चलो, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। समीर दीवान साहब, क्या इन्हें कानूनी रास्ता बताएंगे? ऐसा है, अगर किसी लड़की ने कोई स्टेटमेंट्स डिफरेंट फोरम्स में स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई है तो आप कोर्ट में 340 जैसे आपने अभी बोला उसकी प्रोसीडिंग्स जो है, प्रोसीडिंग्स जो भी हो उसको कोर्ट ने ये देखना है कि आया वो जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो गलत हैं, कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं और अगेंस्ट दी लॉ है। अगर वो कोर्ट ये देखती है कि भाई ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं और सिर्फ इस पर्पस से दी गई हैं कि लिटिगेशन जो है वो बढ़ाई जाए, तो उस समय कोर्ट अगर ये समझती है कि ये है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है और आपके लिए उसको उस कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट में इसने स्टेटमेंट दी हुई है और जो साथ में जो स्टेटमेंट्स और दूसरी कोर्ट्स की दी हैं आप उनकी सर्टिफाइड कॉपीज उस कोर्ट में उस एप्लीकेशन के साथ लगाइए, जिससे कोर्ट उस चीज़ को एडजुडिकेट कर सके और अगर ये पाया जाता है कि भाई लड़की की स्टेटमेंट गलत है इसमें तो फिर उस समय उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं राजेश जी जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, एक और कॉलर मोहम्मद शकील साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। अरे हमने अपने बेटे की शादी 2.5 साल पहले करी थी
जी। और उन लोगों ने झूठ बोल के शादी की, लड़की के जो दिमाग के विकास में कम होता है वो चीज है, और मियां बीवी में वो ताल्लुकात भी नहीं, क्योंकि वो चीखती चिल्लाती है और उनके घर वाले तो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि लड़की के बिना दिमाग के विकास हुआ है और ना ये शादीशुदा जिंदगी गुजार पा रही, क्योंकि उन्होंने 2 अल्ट्रासाउंड भी कराया तो उसमें भी सब कुछ गलत निकल रहा है, मगर वो लोग सामने से जो है तलाक भी नहीं ले रहे और हमसे उल्टे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम तो फंसे हुए हैं। ठीक, मजहर अब्बास साहब, क्या इन्हें रास्ता बताएंगे आप? भाई आपकी शादी हुई है, आप अपने केस को मीडिएशन में ले जाओ, अगर आप सुलह करना चाहते हो तो आप अपने केस को मीडिएशन में ले जाओ, आप वहां पर बैठकर ट्रेन मीडिएटर्स के साथ में बैठकर बात करो, आप अपनी बात करो, वो अपनी बात करेगी और फिर बीच का रास्ता निकल आएगा और आपका आपके समस्या का निस्तारण हो जाएगा। आप मध्यस्थता केंद्र में अपने प्रकरण को लाएं। मजहर साहब, जैसे अगर दूसरा पक्ष आने के लिए तैयार नहीं होता है, राजी नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में इन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? मीडिएशन तो दोनों पक्ष के होने पर ही संभव है, और अगर एक पक्ष मीडिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो इसका एडवर्स उसके अगेंस्ट जाएगा, उसके अगेंस्ट ये जाएगा कि वो सुलह समझौते के पक्ष में नहीं है, ये उसके अगेंस्ट जाएगा, लेकिन जबरदस्ती सुलह समझौता केंद्र में लाया भी नहीं जा सकता है, ये तो स्वैच्छिक है और अगर उसकी स्वेच्छा है तभी पक्षकार वहां है। अक्षय, ऐसा है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं मोहम्मद शकील साहब, आपको वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। कुछ आप कहना चाह रहे थे दीवान साहब? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि मीडिएशन, चलिए अगर दूसरी पार्टी नहीं आती उसमें और अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो डाइवोर्स में ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप अपनी मैरिज डिसॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपने कहा कि वो कोई बीमार है, कुछ को वेनेरियल डिजीज है, कुछ भी है, तो ये सर्टेन ग्राउंड्स दिए गए हैं जो कि एज ए क्रुएलिटी होती है तो वो उसके अंदर कवर होते हैं, तो आप अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स की और इस तरह आप जो है अपनी मैरिज को डिसॉल्व भी करा सकते हैं। इनकी एक और शिकायत थी, इनका कहना था कि 10 लाख रुपए के लिए दबाव भी, कि अगर समझौता इस मामले में करना है तो 10 लाख रुपए। देखिए, वो उनकी एक एटीट्यूड है कह लीजिए या ऑप्रेसिव है, पर सवाल ये कि आपके पास अपनी लीगल रेमेडीज हैं, कानून में दोनों बराबर हैं, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो कोर्ट का दरवाजा ठहरा सकता है जी। तो इसलिए अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो ये नहीं कि अगर गर्ल ने कुछ किया है या गर्ल की साइड से कुछ नहीं है, तो लॉज आर ओनली मेंट फॉर गर्ल्स, लॉज बॉयज के लिए भी उतने हैं और गर्ल्स के लिए भी उतने हैं, अगर आपके साथ है तो आपके पास रेमेडी है, यू कैन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट, स्पेशल प्रोविजंस हैं एक्ट के अंदर जिससे आप अपनी मैरिज डिसॉल्व करवा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं शकील साहब, जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा और जो समीर दीवान जी ने, मजहर अब्बास साहब ने आपको जो कानूनी रास्ता बताया, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या से छुटकारा आपको जरूर मिलेगा। एक और कॉलर लखनऊ से हमारे साथ राम कुमार यादव जी जुड़ गए हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी, हेलो, राम कुमार जी, सबसे पहले आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें और उसके बाद अपना सवाल करें ताकि आपकी आवाज हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए। हेलो जी, राम कुमार जी, आप सवाल कीजिए। हाँ सर, हमारा सेक्शन 18 में जी, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 18 में मेरी फैमिली का 1/3 पार्ट दे दिया गया था वाइफ को जी, तो वो हमें कब तक देना होगा? अब तक डाइवोर्स हमारा हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन अभी हमारी फैमिली 1/3 कट के जा रही है। नसीम साहब, तो वहाँ हमारे वकील साहब उनको कंफ्यूज करते, कोई कहता है डाइवोर्स के बाद देना है, उन वकील साहब बताते नहीं, जीवन भर देना जब तक तुम्हारी वाइफ दूसरी शादी नहीं कर लेती है। नसीम साहब, क्या जवाब देंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो डाइवोर्स का इनका जो जजमेंट हुआ है, उस जजमेंट को देखना पड़ेगा कि उस जजमेंट में कोर्ट ने क्या आदेश किया है। अगर उस कोर्ट जजमेंट में ये लिखा है कि इनको लाइफ टाइम अपनी बीवी, अपनी वाइफ को देना है, तो वो ये लाइफ टाइम इनको देना है। अगर जजमेंट में कोई शर्त है कि हाँ वो दूसरी शादी जब कर लेगी तब तक इनको देना है, तो दूसरी शादी तक करने तक इनको उसको अदा करना है, क्योंकि जजमेंट बिना देखे इन्होंने पूरी बात नहीं बताई है, तो जजमेंट
कि क्या वर्डिंग है जजमेंट में, क्या कोर्ट ने कोर्ट किया है, बिना उसके सही जवाब नहीं दिया जा सकता। और अभी हमारे मजहर अब्बास साहब और दीवान साहब शकील साहब का जवाब दे रहे थे, थोड़ा सा मैं उसमें बदलाव करना चाहूंगा कि जिस तरह उन्होंने बताया मजहर साहब ने कि मीडिएशन सेंटर जाना चाहिए, तो मीडिएशन सेंटर डायरेक्टली नहीं जाता कोई, उसके लिए कोई कोर्ट में कोई केस होगा तो वो मीडिएशन को रेफर किया जाता है, या अगर थाने में कोई कंप्लेंट गई है तो वो मीडिएशन सेंटर रेफर करते हैं। उसके लिए उनको चाहिए शकील साहब को कि वो उसमें अपना जो है वो विदाई का मुकदमा कर दें, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को बोलते हैं, और उसमें वो मीडिएशन सेंटर रेफर करवा ले, वहां पर अगर दोनों पार्टी तैयार हो जाती है तो वहीं पर सुलह हो जाएगा, और नहीं तैयार होती तो जैसा भी होगा उस रिपोर्ट के आधार पर आगे ये लोग अपना सेपरेशन करा सकते हैं। दीवान साहब ने कहा कि इसको शादी को नल एंड व्हाइट करा दें, तो ये शकील साहब है, इस यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा या और मुस्लिम लॉ में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें ये शादी को नल एंड व्हाइट कराया जाए, तो मैं उनकी बात से जरा मुत्तफिक नहीं हूँ। शकील साहब को चाहिए कि वो इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दाखिल करें, वहां पर नोटिस जाएगी, उसके बाद वो पार्टी अपियर होगी, फिर जो मीडिएशन रेफर करा के उस मामले में जो भी कराना हो उस मामले में फैसला हो जाएगा। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि शकील साहब सुन रहे होंगे हमें और जो तरीका आपने बताया उस पर भी वो अमल फरमाएं। और साथ ही राम कुमार जी, आपके जो भी इस विवाद से जुड़े दस्तावेज हैं, अगर उसकी एक एक कॉपी आप हम तक पहुंचा देते हैं तो उसका निरीक्षण करने के बाद क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, और आपके सवाल का वाजिब जवाब भी तभी मिल सकता है कि वहाँ पर क्या कुछ कंडीशंस उसमें तय की गई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील करते हैं कि लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके सामने है। आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो वैवाहिक विवाद कानून से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित भी कोई प्रश्न है या फिर इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं अब्बास साहब आपके पास आऊंगा, पति से जुड़े क्या अधिकार होते हैं एक महिला के पास? पति से जुड़े अधिकार जो है वो एक महिला को उसको पूरी तरीके से मेंटेन करना है, हर तरीके से, उसे खाना कपड़ा उसकी सारी सहूलियत हर तरीके से मेंटेन करना है विवाद की स्थिति में, है ना। अब हर तरीके से चाहे जिस भी तरीके की जरूरत उसकी है वो सारी चीजों को विवाद की भी स्थिति में मेंटेन करना जो है, देखिए जो एक्ट आया है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जो इसमें जो चीजें हैं चाहे जिस भी तरीके की सेक्सुअल अब्यूज हो रही हो, मेंटल अब्यूज हो रही हो, इकोनॉमिक अब्यूज हो रही हो, है ना, जितने भी तरीके की अब्यूज हो रही है उन सारी चीजों के लिए वो महिला अपने पति के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि इस एक्ट में जो जो महिलाओं को रिलीफ दी गई है वो ज्यूरिसडिक्शन पर दी गई है, ये दिया गया है कि वो महिला जहां रह रही हो उस थाने में भी कर सकती है, जहां वर्किंग हो वो उस जगह भी शिकायत कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि जहां उसकी ससुराल थी वो वहीं जा करके शिकायत दर्ज कराए, तो ये फैसिलिटीज एक्ट में प्रोवाइड करी गई हैं महिलाओं के लिए। और जिस तरीके की भी समस्या है सारी समस्याओं के लिए भाई आफ्टर ऑल हस्बैंड इज द कस्टोडियन, अक्सर हस्बैंड जो है वो उस महिला का कस्टोडियन है, और जब कस्टोडियन है तो सारी जिम्मेदारी उसकी है, विवाह के बाद से सारी जिम्मेदारी उस पति की है कि उसकी जो भी जायज जरूरतें हैं, जायज जरूरतों की बात है, जो भी जायज जरूरतें हैं, खाना है, कपड़ा है, घूमना है, मायके जाना है, इन सारी चीजों को विवाद की स्थिति में भी और इन चीजों को वो कोर्ट में भी रख सकती है, ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में नहीं रख सकती है। जी जी चले बिल्कुल। नसीम साहब मैं आपके पास आऊंगा, सबीर दीवान साहब एक चीज और भी जानना चाहूंगा, इस तरह के कानून के मिसयूज भी काफ़ी देखे जाते हैं, आपको लगता है कि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी होता है? देखिए ऐसा है, हर कोई भी कानून बनता है कोई भी कानून फुल प्रूफ नहीं होता, हर जगह उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ठीक है, कई हर कानून में मिसयूज होता है, इस कानून में भी मिसयूज है, पर वी हैव टू सी द लार्जर पर्सपेक्टिव, ये एक्ट किस लिए बना है, ताकि जो वुमेन जिनको ये प्रॉब्लम है स्पेशली डाउन ट्रॉडन लेडीज,
जिनको ये जस्टिस नहीं मिल पा रहा था उनके लिए, अब अगर इसमें अगर 80% को जस्टिस मिलता है और 20 को जो है उसका मिसयूज होता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ ये मिसयूज हो रहा है, तो ये एक्ट जो है बड़ा ऑप्रेसिव है और वन साइडेड एक्ट है। कुछ कमियां देखते हैं? नहीं सर, कुछ कमियां आई फुली एग्री विद यू, कमियां आती हैं आर एक्ट में, क्योंकि कई बार कुछ कोर्ट्स एज लेडीज की स्टेटमेंट को बिल्कुल एज गॉस्पल ट्रुथ लेते हैं। कई बार ये सिचुएशंस आती हैं, जैसे शुरू में 406 498 में कंप्लेंट्स फाइल होती थी, तो उस समय जब शुरू में एक्ट हुआ था तो कोर्ट्स में एंटीसिपेटरी बेल में प्रॉब्लम्स आती थी हस्बैंड्स वगैरह को, इन लॉज को, आगे जैसे सिस्टर इन लॉ के खिलाफ कंप्लेंट हो, डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, वो धीरे धीरे वक्त के साथ जो कमियां थी वो दूर होनी शुरू हुई। कोर्ट्स ने एनालाइज किया कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ मैट्रिमोनियल की हैं, उसको आउटसाइड के परव्यू में ना ले जाके जो बाहर के रिलेटिव्स हैं डिस्टेंट रिलेटिव्स को, उनको फिर कोर्ट्स ने एडवांटेज देना शुरू किया, डिस्टेंस रिलेटिव्स को बेल ग्रांट होनी शुरू हुई। कंप्लेंट्स में भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये बताया गया कि अगर आपको स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं तो आप प्रोवाइड करें। पहले जैसे अरेस्ट की परमिशन नहीं होती थी, अब वो अरेस्ट की परमिशन सॉर्ट, तो वो जो कमियां थी वो धीरे धीरे वक्त के साथ ठीक हो रही हैं। चलिए बिल्कुल हम विस्तार से बातचीत करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ अर्जुन सिंह जी और जुड़ गए दिल्ली से। अर्जुन जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी अर्जुन जी, अपना प्रश्न कीजिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी वाइफ ने मुझ पे 125 का केस किया फरवरी 2016 में। जी ठीक है सर। और उन्होंने उस आधार पर कोर्ट से 70,000 रुपए का एड इंट्रीम भी मुझसे ले लिया। जी ठीक है सर। उसके बाद 2 साल बाद जब वहां पे सुनवाई हुई और फाइनल जजमेंट आना था, तो अपोजिट पार्टी के वकील साहब ने जज साहब का ऑर्डर होने से रोक दिया और ये कहा कि हमारे खिलाफ लड़के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत है, आज आप ऑर्डर मत कीजिए। जज साहब ने उनकी बात को मानकर ऑर्डर को नहीं किया और अगली डेट दे दी। जी अगली डेट पर जब हम जाते हैं तो वो ये कहकर अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं एंट्री मेंटेनेंस की कि हमारे एंट्री एप्लीकेशन में गलतियां हैं, और तब से आज तक बराबर कोर्ट से उनको डेट पे डेट मिल रही है, उनको टाइम पे टाइम बढ़ाया जा रहा है। अगर उनकी एंट्री एप्लीकेशन सर गलत थी तो उन्होंने 70,000 रुपए मुझसे किस आधार पर ले लिए, और अब मैं आगे क्या करूं? नसीम साहब क्या जवाब देंगे ने? 70,000 रुपए से लिया गया इंटरिम आदेश जो हुआ था उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट का रास्ता अपनाएं और हाई कोर्ट से इसमें ये ऑर्डर पास होगा, एक डायरेक्शन होगा। पहले तो क्योंकि ऑलरेडी जब वहां पर इनकी पेंडिंग है एप्लीकेशन अभी, और तो वो उसका डायरेक्शन होगा डे बाय डे हियरिंग का, उसका डिस्पोजल होगा, और उसने अगर गलत तरीके से वो 75,000 रुपए लिए गए हैं तो वो बाकायदा इनको ब्याज सहित वो पैसे वापस होंगे, और इसके लिए इनको सिर्फ हाईकोर्ट का ही रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि या तो कोर्ट उनके किसी दबाव में है या किसी तरह का कोई ऐसा है मामला कि जिसमें कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं कर रही फर्दर, तो इसके लिए सिर्फ इनको ये हाई कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। चले बिल्कुल उम्मीद करते हैं अर्जुन जी, जो आपको तरीका नसीम साहब की तरफ से बताया गया उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्या से छुटकारा जरूर मिलेगा। मजर अब्बास साहब मैं आपके पास आऊंगा, क्या पति की संपत्ति पर अगर विवाद की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि नौबत तलाक तक आ जाती है तो क्या पति की संपत्ति पर भी दावा किया जा सकता है पत्नी की ओर से? अक्षय, जहां तक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं जी, तो वहां पर शेयर हाउस होल्ड जो है और उसमें जो पति का शेयर है उसमें वहां से उस लड़की को रहने से नहीं हटाया जा सकता है, उसको बेचने से रोका जा सकता है जी, और लड़की का शेयर पत्नी की हैसियत से जो भी आता है वो प्रोटेक्ट करने का कोर्ट का है, कोर्ट इसमें आदेश पारित कर सकता है। यहां तक एक्ट में है कि उस प्रॉपर्टी जो शेयर हाउस होल्ड है, पति की प्रॉपर्टी है और पति में पत्नी के हैसियत से उसका हक है, तो ना उसको गिरवी रखा जा सकता है, ना बंधक बनाया जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना पत्नी को वहां से निकाला जा सकता है। चलिए बिल्कुल बहुत शुक्रिया, यहां तक पत्नी को राइट है। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, वक्त का अभाव है।
लेकिन आपने वैवाहिक विवाद से जुड़े कानून के बारे में जो दर्शकों को जानकारियां पहुंचाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक इस कानून के संबंध में जानकारी उन्हें जरूर हासिल होगी, क्योंकि एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है क्योंकि उनके पास जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को खत्म करने के लिए हम रोजाना आपके सामने मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।